हेलो बच्चों, आज हम लोग नदी कविता का पाठ करेंगे जिसके कवि हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ला। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। नदी निकलती है पर्वत से, मैदानों में बहती है और अंत में मिल सागर से एक कहानी कहती है। बचपन में छोटी थी पर मैं बड़े वेग से बहती थी, आंधी तूफान बाढ़ बवंडर सब कुछ हंस के सहती थी। मैदानों में आकर मैंने सेवा का संकल्प लिया और बना जैसे ही मुझसे मानव का उपकार किया। अंत समय में बचा से जो सागर को उपहार दिया, सब कुछ अर्पित करके अपने जीवन को साकार किया। बच्चों शिक्षा लेकर मुझसे मेरे जैसे बन जाओ, सेवा और समर्पण से तुम जीवन बगिया महकाओ। अब हम लोग कविता का अर्थ समझेंगे। नदी निकलती है पर्वत से, मैदानों में बहती है और अंत में मिल सागर से एक कहानी कहती है। नदी जो है वो पर्वत से निकल के मैदानों में बह रही है और बहते बहते अंत में जाके सागर से मिल जाती है। और रास्ते में उसको जितने लोग मिलते जाते हैं, जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी मिलते जाते हैं, उनसे अपनी एक कहानी बनाते बनाते वो सागर में जाके मिल जाती है। बचपन में छोटी थी पर मैं बड़े वेग से बहती थी, आंधी तूफान बाढ़ बवंडर सब कुछ हंस के सहती थी। नदी कह रही है कि जब वो बचपन में, यानी जब वो पहाड़ से निकली थी तब वो बहुत छोटी थी, तब वो उसका जो प्रवाह है, जो उसके बहने की गति है, वो बहुत तेज थी। आंधी तूफान बाढ़ हो बवंडर हो कुछ भी हो, सब कुछ हंस के सह जाती थी। मैदानों में आकर मैंने सेवा का संकल्प लिया और बना जैसे भी मुझसे मानव का उपकार किया। नदी जब बहते मैदानों में आती है, उसने सेवा का संकल्प लिया है, यानी वो अपना जो भी जल है वो दूसरों को दे देगी। उसके पास उसने यही प्रतिज्ञा किया कि उसके पास जो भी है जल है वो पेड़ पौधों पशु पक्षियों मानवों में सब में बांटते हुए जाएगी। यही नदी जो है मानव पे उपकार किया है, इसलिए नदी जो है मानव पे की है। अंत समय में बचा से जो सागर को उपहार दिया, सब कुछ अर्पित करके अपने जीवन को साकार किया। और बहते बहते नदी जो है, जब उसका धारा बहुत कम हो जाती है, प्रवाह बहुत कम हो जाती है, उसके बहने की गति जो कम हो जाती है, तो अंत में जाके जो उसका बचा हुआ जो भी रहता है पानी, वो सागर में मिल जाता है। तो उसने सागर को ये उपहार दिया, सब कुछ अर्पित करके अपने, उसके पास जो भी था सब कुछ उसने सागर को देके अपना जीवन को साकार कर लिया है। बच्चों शिक्षा लेकर मुझसे मेरे जैसे हो जाओ, सेवा और समर्पण से तुम जीवन बगिया महकाओ। नदी कह रही है कि बच्चों तुम नदी से शिक्षा लेकर उसके जैसे ही बन जाओ। इसे नदी के पास जो भी था वो दूसरों में बांट दिया करती थी, उसके अंदर सेवा और समर्पण की भावना थी। तो वही बच्चों को भी बोल रही है कि बच्चे भी उससे सेवा और समर्पण की भावना सीखें। तो आज हम लोगों ने इस कविता में कौन कौन सा नया शब्द सीखा है, कौन कौन सा नया शब्द सीखा? पर्वत, पर्वत यानी पहाड़, बेग से यानी बहुत तेज गति से, संकल्प, संकल्प यानी उसने प्रतिज्ञा ली, अर्पित यानी उसके पास जो कुछ था वो दूसरों को सौंप दी या दे दी,